गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीक में जो हम एक्टिविटी करेंगे वो हमारी थीम ऑफ द मंथ के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए, हमने लैंड एनिमल बनाया है और ये कौन सा एनिमल है? ये हमने डॉग बनाया है विद द हेल्प ऑफ हैंड प्रिंट। हमने अपने हैंड का प्रिंट लिया है। ये देखिए, जैसे हमने छोटी फिंगर को थोड़ा सा ओपन किया है और ये फोर्थ फिंगर को हमने क्रॉस किया है और अपने थंब को इस तरह से ओपन करेंगे और हमारा हैंड प्रिंट लेंगे और हैंड प्रिंट की हेल्प से हमने हमारा डॉग बनाया है। और इसमें जो कलर हमने किया है वो है ब्राउन कलर। यहाँ पे हमने ब्राउन की टू डिफरेंट शेड यूज़ करी है जो कि हमारा कलर ऑफ द मंथ है। और ये एक्टिविटी बहुत ही इजी एक्टिविटी है। चलिए हम इस एक्टिविटी को करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। हैंड प्रिंट डॉग बनाने के लिए हमने अपना राइट हैंड लेना है और इस तरह से अपनी वाइट शीट के ऊपर रखेंगे और ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको थोड़ा ओपन रखेंगे। देन अपनी सेकेंड और थर्ड फिंगर को हमने एक साथ रखना है और जो हमारी फोर्थ फिंगर है इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपने थंब को हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये पोजीशन लेंगे। और फिर हमने जो प्रिंट है ये हम पेंसिल की हेल्प से ले लेंगे। जैसे ये मैंने पेंसिल ली है और इसका मार्क हम हमारे पेज के ऊपर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हम इस तरह से अपने हैंड का मार्क ले लेंगे। ये देखिए, हमारा हैंड प्रिंट हमने ले लिया है। इसके बाद हमने ब्लैक स्केच पेन या मार्कर लेंगे और इसे हम इसकी हेल्प से जो हमारे मार्क्स हैं उसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे हमने ब्लैक कलर से मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी आइस बनाएंगे। आइस बनाने के लिए ये देखिए, जो हमने फिंगर फोल्ड की थी यहाँ पे इस तरह से इसकी आइस ड्रॉ कर लेंगे। आइस ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हमने यहाँ पे डॉट्स लगाने हैं और ये जो हमारी थर्ड फिंगर थी इसको यहाँ से इसको करेंगे ताकि ये इसका नोज़ बन जाएगा। नोज़ बनने के बाद जो हमारी फर्स्ट फिंगर है यहाँ पे हम इस तरह से छोटे छोटे से टीथ बना लेंगे डॉग के। ये देखिए, अभी हम ये हमारा डॉग का फेस लग रहा है। इसके बाद हम इसे थोड़े से मार्क्स देंगे और इसके बाद हम इसमें कलर कर लेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, इसके बाद हम इसमें ब्राउन कलर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम स्केच पेन से भी कुछ पोर्शन को कर सकते हैं और डिफरेंट ब्राउन कलर दे सकते हैं। जैसे ये मैंने इसकी
नोज़ में ये ब्राउन कलर किया है स्केच पेन से। देन ये जो मैंने इसको अलग पार्ट में किया था थोड़ा सा, यहाँ पे भी हम स्केच पेन से इस तरह से कलर कर लेंगे। आप चाहें तो पूरे में हम सेम कलर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो हम जैसे डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे क्रियॉन कलर से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बाकी पोर्शन को डार्क ब्राउन कलर से क्रियॉन कलर से करूँगी। ये देखिए हैंड प्रिंट एक्टिविटी से हमने डॉग बनाया है। ये देखिए कितनी इजीली जो हमारा हैंड प्रिंट है इसको लेकर हम कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।